हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मधुसूदन दास पार्क, जो के भुवनेश्वर के पोखरीपुट में अवस्थित है। तो ये पार्क के बारे में आज मैं डिटेल्स दिखाऊंगा। ये पार्क कितना बड़ा है, क्या क्या फैसिलिटी इसमें है और इसका टाइमिंग क्या है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। आप रोड के दूसरे तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस गेट है। ये पार्क का मेन गेट है। तो यहाँ का सामने, पार्क के सामने सब गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है, मतलब आगे एक ग्रीन बोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग बोर्ड लगाया गया है। तो यहाँ पे जो पार्क में जो आएंगे जो लोग, उनके लिए पार्किंग की सुविधा है और ये पार्किंग पूरा फ्री है। देख सकते हैं उड़िया में लिखा गया है मधुसूदन दास पार्क पोखरीपुट भुवनेश्वर। ये पूरा मेन गेट और ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है मधुसूदन दास पार्क पोखरीपुट भुवनेश्वर। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है पार्क ओपनिंग टाइम फ्रॉम 5 AM to 9 PM। ये भी यहाँ पे उड़िया में लिखा गया है, वही पार्क का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम आप देख सकते हैं। ये सामने आप जब पार्क अंदर आएंगे, ये सामने का दृश्य है, पूरा सीधा आप देख सकते हैं उत्कल गौरव मधुसूदन दास, जिनके नाम पे ये पार्क किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। तो उनका स्टैचू है पूरा सामने और ये बढ़िया मिनी फ्लावर गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे ये पार्क के टाइमिंग के साथ डूज एंड डोंट, और ये उस ऑफिशियल का नाम है जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखा गया है, ये पार्क का जो है गाइड मैप यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपको पार्क में क्या क्या मिलेगा यहाँ पे और ये कहाँ कहाँ पार्क में लोकेटेड है, ये सब यहाँ पे आपको आइडिया होगा। तो चलिए फिर मैं शुरू कर देता हूँ, ये आपको 360 डिग्री में आपको घुमा के अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं दूसरे साइड में एक ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है। बढ़िया बढ़िया सब स्टोन कार्व्ड स्टैचू सब रखे गए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टैचू। यहाँ पे इन डिटेल्स लिखा गया है कि पार्क किनके द्वारा और कब इनॉग्रेट हुआ था। तो यहाँ पे लिखा गया है उत्कल गौरव मधुसूदन दास पार्क पोखरीपुट भुवनेश्वर बाय श्री नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ऑन 1 सितंबर 2009। और ये सब इन द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज भी थे उस समय इनॉग्रेशन के समय, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पे पर्सन का बोर्ड लगाया गया है। और ये पाथवे है, जैसा कि मैंने बोला था मैं 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले ये एक साइड से शुरू करूँगा, फिर जाके दूसरे साइड में हम पहुँचेंगे। ये स्केटिंग रिंक आप देख सकते हैं। देखिए स्केटिंग रिंक है यहाँ पे। ये पार्क बहुत बड़ा है, मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन देखने से एक आइडिया हो जाता है कि ये पार्क बहुत बड़ा है। क्योंकि आप देखिए, मैं अभी जा रहा हूँ, जो पार्क है वो यहाँ तक है, पूरा जंगल के टाइप दिख रहा है यहाँ पे। पाथवे भी यहाँ पे ये मिट्टी का है, लेकिन जॉगिंग करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ये ट्रैक, तो आप बहुत बड़े एरिया में आप जॉगिंग कर सकते हैं, बैठ के आनंद भी ले सकते हैं इस परिवेश का।
ये पार्क का एंट्री पूरा फ्री है और ये पार्क को बीडीए द्वारा मेंटेन किया जाता है। बीडीए का मतलब है भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरफ से अगर देखेंगे आप तो पार्क के पूरा सामने मिशन शक्ति भवन वो है। ये देखिए यहाँ पे एक गजेबो है, मतलब आप बैठ के बातचीत कर सकते हैं, चाहिए तो आप योगा भी कर सकते हैं और बारिश के समय इसमें शेल्टर ले सकते हैं। ये एरिया वाइज ये पार्क बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं मैं चलते ही जा रहा हूँ, लेकिन ये पार्क का अगला छोर मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट है, मतलब अगर कोई पढ़ाई करना चाहे तो वो आके निश्चित से शांति से पढ़ाई कर सकता है। ये देखिए रोड के उस तरफ फिर वायर बोर्ड शोरूम एंड सेल्स डिपोट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पार्क है। मैं अभी तक चलते जा रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन में ये डिस्प्ले भी हो रहा है कि बहुत आगे तक ये पार्क है। बहुत सारे प्लांटेशंस भी की गई हैं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है नेचर के लिए। यहाँ पे एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूरा बड़ा वाला ब्रांच। पार्क के एक डायरेक्शन में आने से ही सिर्फ इतना बड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये पार्क है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये बीजू पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दीवार है, तो उस तरफ उनका लैंड पड़ता है एयरपोर्ट का। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि बोला था आपको एयरपोर्ट का ये प्रॉपर्टी है, तो दूर से देख सकते हैं उनका एक वॉच टावर भी यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे टॉयलेट भी है पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको। ये देख सकते हैं आप बच्चे भी खेल रहे हैं अभी। ये स्लाइड्स, वहाँ पे एक सीसॉ है। Thank you.
स्लाइड, ये व्हेल स्लाइड एक लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब व्हेल के डिजाइन का किया गया है, सीमेंट से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो इसीलिए इसको व्हेल स्लाइड कहते हैं। देख सकते हैं ये व्हेल स्ट्रक्चर के जस्ट सामने ये सब स्टेप्स किया गया है बच्चों के लिए अंदर जाने के लिए, और ये लिखा गया है यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया ओनली फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 इयर्स ऑफ एज। ये जो है यहाँ पे ये दो टॉयलेट बोथ महिला एंड पुरुषों के लिए अलग अलग है, यहाँ पे लिखा भी गया है ई टॉयलेट। ये देख सकते हैं आप जो मैंने दिखाया था आपको स्केटिंग रिंक, और इसके जस्ट पास में चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया, और फिर यहाँ पे एक गज़ेबो भी है क्योंकि रेन शेल्टर भी बोला जाता है, और ये ओपन जिम एरिया भी यहाँ पे है ये ठीक पास, देख सकते हैं इक्विपमेंट्स भी है यहाँ पे। कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये मूर्ति यहाँ पे टूट के गिर गया है। वॉच टावर है एयरपोर्ट का, और यहाँ पे चाइनीज बाम्बू के पेड़ लगाए गए हैं पूरा एक आइडियल जंगल का परिवेश दिखाने के लिए। देखिए पूरा जंगल है तो अभी मतलब रिक्लेम नहीं किया गया है, तो मैं दिखाने ले जाता हूँ क्या कैसा है ये यहाँ पे। ये और भी एरिया है इस पार्क के अंदर जिनको ये रिक्लेम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दूर से ये मधुमक्खी का छत्ता है वहाँ पे, बहुत बड़ा साइज का है। चलते हैं इस तरफ से फिर, ये जो मेन गेट के पास आपको मैंने दिखाया था मेन गेट के अंदर ही घुसने से ये पार्क का ठीक सामने मेन गेट के ये मधुसूदन दास जी का जो स्टैचू है वो रखा गया है, तो उस स्टैचू के एक तरफ ये ओपन जिम एरिया स्केटिंग रिंक और चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया मैंने दिखा दिया है आपको, और ये दूसरे तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर सा फूल लगाए गए हैं, गार्डन किया गया है, लॉन बहुत सुंदर दिखाई देता हुआ, तो ये आपको मैं क्लोजअप से दिखा देता हूँ अभी, फिर दूसरे तरफ जाएंगे।
बहुत सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। ये सब सीजनल फूल हैं, विंटर के सीजन में ये होते हैं। चलिए फिर दूसरे तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, इस तरफ क्या क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरफ भी एक चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया है। पूरा इस तरफ वही जंगल का एरिया है, इसको अभी तक रिक्लेम नहीं किया गया है, पूरा एक पार्ट पूरा है, और नहीं तो और भी बड़ा हो सकता है ये पार्क। ये देखिए एक और ओपन जिम एरिया। आप दूर से देख सकते हैं ये योगा पेंडल है, यहाँ पे आप बैठ के आसन डाल के आपका योगा कर सकते हैं शांति से। ये परिवेश भी बहुत ठीक है, मतलब पूरा ग्रीनरी के अंदर शांति से आप बैठ के ये योगा कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये एक परफेक्ट प्लेस बन जाता है सभी वर्ग के लोगों के लिए। ये पार्क को मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप आइए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, और एक शानदार समय बिताइए। चलिए फिर मैं चलता हूँ आगे, और क्या क्या है आपको दिखाने के लिए। आपको अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा भाई ये कितना बड़ा पार्क है, उस तरफ भी बहुत लंबा है, इस तरफ भी बहुत लंबा है। लंबा होने के बावजूद और भी जगह है यहाँ पे रिक्लेम करने के लिए। तो ये अभी तक के लिए मैं जो आपको शूटिंग करके दिखाया हूँ, जितना भी पार्क है ये सबसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, उनसे भी बहुत बड़ा है पार्क एरिया वाइज, ये एरिया वाइज बहुत बड़ा है।
वहाँ से फिर घूम जाता है ये रोड। ये पूरा लास्ट छोर है इसका अगले तरफ से। ये फिटनेस कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको बहुत बड़ी एरिया मिलती है वॉकिंग करने के लिए या फिर जॉगिंग करने के लिए। जो स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट में वो पढ़े ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा वो यहाँ पे आके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं अपना। यहाँ पे बहुत खाली जगह है जो कि मेरे हिसाब से और भी पेड़ लगाया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में जितने भी आप पेड़ लगाए उतना कम है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू क्रिएट ए क्लीन एंड ग्रीन अर्थ फॉर आवर फ्यूचर टू बी सिक्योर एंड सेफ। ये NTPC का ऑफिस है यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ इस बोर्ड में, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये कैमरा उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं हो रहा है। इसमें नीलाचल भवन लिखा हुआ है, NTPC लिमिटेड का ये ऑफिस है। मतलब एडजॉइनिंग टू दिस पार्क रोड के जस्ट अपोजिट में बहुत सारे ऑफिस भी पड़ते हैं यहाँ पे। ये जो ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है उनका एग्जामिनेशन सेल भी यहाँ पे है, मैं आते वक्त उसका बोर्ड पढ़ के आया हूँ, वो भी है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो बोला था दिखाया था आपको दूसरे तरफ से उसके बैक साइड से, ये योगा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिखा गया है और पूरे सीधे आप देख सकते हैं योगा प्लेटफॉर्म, उसके पीछे वो जो ओपन एयर जिम था मैंने उसको दिखाया था आपको। पूरा आपको आपका आइडिया हो चुका होगा अभी इस वीडियो को देखते हुए कि कितना बड़ा है, कैसा सुंदर परिवेश क्रिएट किया गया है। लॉश ग्रीनरी है यहाँ पे जो कि शहर में मिलना बहुत कठिन है आजकल के डेट में। आप देख सकते हैं मैंने दिखाया था आपको दूसरे तरफ से, ये चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया दिखाई दे रहा है आपको। यह आप देख सकते हैं एक और पार्क के दूसरे तरफ जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये उसका गेट है। ये आप देख सकते हैं ये ई टॉयलेट एरिया, ये टॉयलेट मेंस के लिए भी है और यहाँ पे फीमेल्स के लिए भी है, और ये ड्रिंकिंग वाटर और हाथ मुंह धोने के लिए जगह बनाई गई है ओवरहेड टैंक के साथ। तो मैं यहाँ पे फिर से आकर मेन गेट के पास पहुँच गया हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये पार्क का मेन एंट्रेंस था, मैं इस तरफ से गया था आपको दिखाने के लिए, अभी फिर इस तरफ से आके पहुंच गया हूँ।
क्या आप देख सकते हैं ये जो तीन बेंचेस यहाँ पे रखी गई हैं, तो ये बोर्ड लगाया गया है स्पेसिफिकली फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली, ताकि उनको बैठने के लिए कोई दिक्कत ना हो इस पार्क में और ये वो शांति से यहाँ पे बैठ कर आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जान पहचान के लोगों में ये शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज इसके थोड़ा सपोर्ट करते हुए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक करने से मेरा प्रोत्साहन और बढ़ता है नया नया वीडियो डालने के लिए, जो कि आपके लिए जानकारी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एंटरटेनमेंट भी लाएगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो प्लीज मैं ये अनुरोध करता हूँ आप सब लोगों को कि मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। तो अभी आज के लिए नहीं, थैंक यू, बाय बाय।